नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आपके साथ मैं हूं श्वेता। युवा शक्ति किसी भी देश के विकास की रीढ़ होती है, लेकिन हमारे देश में आज वही शक्ति हताश, निराश और अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। शिक्षित हो अथवा अशिक्षित, हर एक युवा आज अपने रोजगार के लिए संघर्ष करता दिख रहा है। आजकल के बेरोजगार युवा सोशल मीडिया के तो रॉकस्टार दिखते हैं, लेकिन वही युवा बेरोजगारी के कारण घर पर सहमे और गुमसुम से रहते हैं। टीवी चैनलों पर एक सुपरस्टार के मरने पर उसे जस्टिस दिलाने का शोर तो है, लेकिन भारत के विभिन्न राज्यों के युवाओं को एक अदद नौकरी पाने का जो सपना बढ़ती उम्र के साथ मर रहा है, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए किसी चैनल पर कोई बहस नहीं, ना कोई सवाल, ना कोई दंगल और ना ही कोई हल्ला बोल। आजकल के अधिकतर युवा किसी अच्छे संस्थान से उच्च शिक्षा प्राप्त करके भी खाक शांते फिर रहे हैं, जबकि आर्थिक स्थिति से संपन्न परिवार के युवा 4 साल किसी अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करके भी ट्रेन के डब्बों में GKGS और लूसेंट का पन्ना पलटते दिख जाते हैं। रोजगार की तलाश में करंट अफेयर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनाए हर एक योजना को याद रखने वाला युवा उनके अच्छे दिन का वादा भी याद रखता है। बिहारी और मध्यम वर्ग के लड़कों के लिए एक उम्र बीत जाने के बाद संस्कारों के साथ साथ नौकरी भी महत्व रखता है, जिसके मिल जाने से उन पर लगा दाग भी धुल जाता है। बात दरअसल यह है कि COVID-19 के कारण लगे लॉकडाउन से लाखों लोग बेरोजगार हो गए, जबकि सरकार की लचर नीतियों के कारण भी रोजगार मुहैया कराने के दावे भी फेल होते रहे हैं, और इसके लिए हमारे नेता और राजनीति भी कम जिम्मेवार नहीं है। बिहार में 2 साल पूर्व निकाली गई वैकेंसी की अब तक परीक्षा नहीं ली गई। अब सवाल यह है कि हमारी सरकार और शिक्षा मंत्री युवाओं को यह बताएंगे कि जिस फॉर्म को भरने के लिए भी युवा जुगत लगाते रहते हैं, उन पैसों का सरकार क्या उपयोग कर रही है। चुनाव के समय तो रोजगार देने के बहुत सारे वायदे किए गए, लेकिन सरकार बनते ही जैसे सारे वादे हवा हवाई हो गए। लॉकडाउन के पहले साल 2020 में बेरोजगारी दर 22% रही, और अब भी कोई बड़ा बदलाव होता नहीं देखा जा रहा है। सितंबर 2020 का आंकड़ा यह बताता है कि लॉकडाउन के बाद भारत में बेरोजगारी 7 लाख बढ़ गई है, और देश भर में इस महामारी के दौरान 18 करोड़ युवाओं ने अपना रोजगार खो दिया। सरकारी दावों के अनुसार अन्य देशों के मुकाबले कोविड से लड़ने के मामले में हमारा देश सफल माना जाता है, लेकिन जब युवाओं को रोजगार नहीं मिला और देश के युवाओं के रोजगार चले गए, तो क्या यही हमारी देश और सरकार की सफलता है? अगर आप ये हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा, और अगर ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।